अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, आज हम आपको बेबी मटन्स, कैप, बेबी कैप और बेबी बूटीज़ बनाना बताते हैं। जैसे कि ये हमने बनाई हुई है, इसके लिए आपको थोड़ा सा जो कपड़ा जो है जिसमें थोड़ी सी लचक होती है, खींचने वाला कपड़ा होता है, उस टाइप के कपड़े से जो है बेहतरीन बनती हैं ये। इसके लिए आप वेलवेट का कपड़ा भी ले सकते हैं, आपके घर में बच्चों की जो बनियाने टी शर्ट वगैरह बच्चे पहनते हैं उसकी उस वाले वो कपड़े की भी आप इसको इससे ये चीज़ें बना सकते हैं। अगर आपके बच्चों की टी शर्ट छोटी हो गई हो तो उससे भी आसानी ये चीज़ें बन सकती हैं। ये देखें, हमने छोटे से मतलब टी शर्ट में से निकाल के इस तरह से बना ली हैं। आपको इसमें हमारा कोई ख़र्चा भी नहीं हुआ और आसानी ये घर में तैयार कर ली हैं, जबकि बाज़ार में जो है काफ़ी कॉस्टली मिलती हैं। और ये है कि हम अपने हिसाब से अपने साइज से छोटी बड़ी भी कर सकते हैं। इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है होगी, ये हमने स्टेंसिल्स काटे हुए हैं, इसके इंची टेप की ज़रूरत होगी, चौक और लास्टिक पतली वाली प्लास्टिक की ज़रूरत होगी। और इस किस्म का आप वेलवेट का कपड़ा ले लें या इस तरह टाइप का जो खींचने वाला बनियानों का कपड़ा होता है, पुरानी बनियानों वगैरह की मदद से भी हम इसको बना सकते हैं। सीज़र की ज़रूरत होगी। इसकी लेंथ लेंगे हम 7 इंच और विड्थ लेंगे इसकी 6.5 इंच। जैसे कि ये हमने स्टेंसिल पे काटा हुआ है, ये हमने 7 इंच लिए इसकी लेंथ और इसकी विड्थ लिए हमने 6.5 इंच। तो इस तरह से, और यहाँ से हमने 1.5 इंच के फासले से हमने ये हल्की सी गोलाई दे दी है। ये हमने कैप की कटिंग कर ली है, अब हम इसको उल्टा करेंगे और बीच में ये सीधी साइड जो है बीच में आ जाएगी और इसकी ये चारों इस तरफ से ये पूरी गोलाई के साथ यहाँ तक हम सिलाई कर लेंगे और फिर हम इसको 1-1 इंच फोल्ड करके और 1-1 इंच की यहाँ पे सिलाई करके फिर आप उल्टा। यहाँ पे ये देखें, हमने सिलाई कर ली है, नीचे भी सिलाई कर ली है, बस हल्का हल्का कट लगा के इसको सीधा कर देंगे। हमारी कैप बनके रेडी है। अब हम बेबी मिटन्स बनाएंगे, इसके लिए बस हमें इलास्टिक की ज़रूरत है और अपने फैब्रिक की। ये हमने स्टेंसिल काटा है, इसकी हमने लंबाई ली है 3.5 इंच और इसकी विड्थ ली है हमने 3 इंच। अब इस तरह के हम इस नाप में 4 पीस निकाल लेंगे हम अब इस कपड़े में से अपने। और इसके लिए हम सिलाई का मार्जिन, क्योंकि इसमें नहीं है, आप सिलाई का मार्जिन 1/2 इंच का यहाँ पे रख लेंगे। देखें इस तरह से इसकी कटिंग हो गई है। हम पहले इस पर एक सिलाई कर लेंगे ताकि इसका कोना मुड़ जाए और 1 इंच के फासले से इस तरह से हम लास्टिक को डालने के बाद इसको सी लेंगे इस तरह से। Thank you.
ये देखें हमारे बेबी मिटन्स बनकर रेडी हैं। यहाँ पर हम कोई फैंसी सा कोई छोटा सा फ्लावर हो कोई बटन हो वो लगा के इसको और खूबसूरत बना सकते हैं। हमने बूटीज बनाने के लिए इसका पैटर्न तैयार कर लिया है। इसकी लेंथ होगी 4.5 इंच और इसकी विड्थ होगी 3.5 इंच और इस तरह के हमें 4 पीस चाहिए। हम 4 पीस इस कपड़े में से इस नाप के निकाल लेंगे। ये हमने हल्का सा इस पैमाइश में लेके और हल्का सा इसको ओवल शेप दे दिए। ये देखें हमने ओवल शेप में ये चारों पीस काट लिए हैं। अब हमने एक एक पीस तो इस तरह रखेंगे और एक पीस को इस तरह से डबल करके ये इस तरह से इसके साथ सिल जाएगा। और अब हमें इस बैग के लिए कपड़ा लेना है। ये जो बैग है इसके लिए कपड़ा लेना है। ये हमने इसके बैग पे लगाने के लिए आपने एक पट्टी काट लेनी है जिसकी विड्थ होगी 2.5 इंच और जिसकी लेंथ होगी 6.5 इंच। ये हमने दोनों एक ही साथ पट्टियां कर ली हैं। ये हमने 6.5 और ये 6.5 की दो पट्टियां हम इस तरह से बना लेंगे इसकी। और इसमें यहाँ पर दोनों में अलग अलग साइड पे इस तरह से हम इलास्टिक को इसके अंदर नेफा सा बना के इसको सी लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। ये हमने इलास्टिक लगा लिया। हम इस पे आधी इसको बंद करने के लिए आधे पे सिलाई लगाएंगे बस। ये देखिए हमने यहाँ पे जो हाफ सिलाई लगाई थी अब हम इसको और ये जो इसको इस तरह से मिला के यहाँ पे इस पे सिलाई कर देंगे। हमने इसके दरमियान में यहाँ निशान लगा लिया है और यहाँ भी दरमियान में निशान लगा लिया है। अब हम अपना जो ये हमने सिया है इसको हम इस तरह से रखेंगे। इसका भी दरमियान कर लेंगे। ये जो हमने सिलाई की थी इस पर हम दरमियान पे निशान लगा लेंगे और इस दरमियान को देखते हुए इस तरह से हम रख के और इस पे चारों तरफ सिलाई कर लेंगे। इस तरह से इसको सीधा कर लिया है सिलाई करके। ये इस तरह से हमने जो सिलाई चारों तरफ से की थी अब हम इसको भी हल्का सा कट लगा के और सीधा कर लेंगे। ये देखें बेबी बूटीज बनके रेडी हैं। ये देखें हमारा पेयर बनके चीजों का रेडी है। इसमें हमने बनाया है बेबी, ये हमारे बेबी बूटीज बन के रेडी हो गए, बेबी मिटन और ये कैप। अगर हमारा काम पसंद आया हो
तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नई वीडियो के साथ, नए काम के साथ फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।